झांसी के नाम के साथ जो नाम ध्यान में आता है वो है रानी लक्ष्मीबाई का। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के मनु से झांसी रानी तक के सफर में साथ देने वाले उनके पति के नाम को अब तक काफी भुलाया जा चुका है। लेकिन झांसी पहुंचने पर महाराज गंगाधर राव की छत्री के बारे में पता चलता है, जिससे लक्ष्मीबाई के पति के बारे में जिज्ञासा जागृत होना स्वाभाविक है। ये छत्री लक्ष्मीबाई द्वारा बनाई गई है। ये झांसी के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। वास्तव में रानी लक्ष्मीबाई से पहले महाराज गंगाधर राव नेवलकर झांसी के महाराजा थे। झांसी जो कि अभी उत्तर प्रदेश में है, तब बुंदेलखंड का हिस्सा हुआ करता था। महाराज गंगाधर राव एक न्यायप्रिय, जनप्रिय और कुशल शासक थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपावली में, जहां आज मैं आपको महाराजा गंगाधर राव का जीवन परिचय बताने जा रही हूं। सब्सक्राइब करिए दीपावली चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गंगाधर राव का इतिहास। गंगाधर राव के पिताजी का नाम शिवराव भाऊ था, जो कि झांसी के पहले शासक रघुनाथ हरि नेवलकर के वंशज थे। गंगाधर राव के पूर्वज महाराष्ट्र में रत्नगिरी जिले से आए थे। पेशवाओं के शासन काल में इनमें से कुछ खानदेश चले गए और वहां पेशवा और होलकर सेना में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने लगी। रघुनाथ हरि नेवलकर ने बुंदेलखंड में मराठा साम्राज्य को स्थापित किया और अब वो बूढ़े होने लगे, तब उन्होंने अपने छोटे भाई शिवराव भाऊ को झांसी सौंप दी। 1838 में रघुनाथ राव तृतीय के देहांत के बाद 1843 में ब्रिटिश शासकों ने उनके छोटे भाई गंगाधर राव को झांसी का राजा घोषित कर दिया। महाराजा गंगाधर राव के गुण। गंगाधर एक योग्य शासक थे। गंगाधर राव को सत्ता मिली तब झांसी की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन गंगाधर ने अपने कुशल प्रबंधन से झांसी की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार किया। उन्होंने झांसी के विकास के लिए समुचित निर्णय लिए। उन्होंने 5000 की सेना का नेतृत्व भी किया। गंगाधर राव को झांसी का शासन कैसे मिला? रामचंद्र राव के कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने कृष्णा राव के लड़के को गोद लिया। उस समय तक शास्त्रों और पंडितों ने में कृष्ण राव को गोद लेने की मान्यता नहीं थी। इस कारण रामचंद्र राव के ताऊ रघुनाथ राव को राजा बनाया गया। रघुनाथ राव के देहांत के बाद फिर से ये सवाल उठा कि अब झांसी की सत्ता किसे सौंपी जाए। ऐसे में चार नाम थे। इसके लिए एक कमीशन बनाया गया, जिसमें गंगाधर राव को सबसे उपयुक्त उम्मीदवार मानकर उन्हें झांसी की सत्ता सौंपी गई। लेकिन अंग्रेजों ने कुछ अधिकार अपने पास रख लिए थे और गंगाधर को पूर्णतः शासन का अधिकार दिया, क्योंकि रघुनाथ राव के शासन काल में झांसी पर कुछ कर्जा हो गया था। इसलिए अंग्रेजों ने तय किया कि जब तक उन्हें पूरे पैसे नहीं मिल जाते, वो झांसी के शासन में अपना हस्तक्षेप रखेंगे। गंगाधर राव और उनका शासन। राजा गंगाधर राव एक योग्य शासक थे, इसलिए सत्ता मिलने के बाद उन्होंने जब मणिकर्णिका से विवाह किया, उसके कुछ सालों ही अंग्रेजों का सारा कर्जा उतार दिया और इसके लिए वो अपनी रानी के शुभ कदमों को जिम्मेदार मानते थे। जब सारा कर्जा उतर गया, तब झांसी का शासन पुनः लेने की बात आई। बुंदेलखंड के राजनीतिक एजेंट्स में अपने ब्रिटिश शासकों तक ये बात पहुंचाई, तब अंग्रेजों ने झांसी को पूरी तरह से लौटाने पर सहमति सिर्फ इस शर्त पे दी कि गंगाधर को अंग्रेजों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी अपने राज्य में रखनी होगी और इसका खर्च भी उठाना होगा। गंगाधर को ना चाहते हुए भी परिस्थितियों के वशीभूत ये शर्त स्वीकार करनी पड़ी। इसके लिए उन्होंने 227,458 रुपए अलग से रखे। इसके अलावा उन्होंने दो सैन्य दल अपने अधीन भी रखे। गंगाधर ने झांसी को व्यवस्थित करने के लिए बहुत से कार्य किए, जिस तरह बहुत ही कम समय में झांसी ने बहुत विकास किया। गंगाधर राव का स्वाभिमान और ब्रिटिश शासकों की उनमें श्रद्धा। गंगाधर के धार्मिक यात्रा के दौरान एक जगह वाराणसी में ब्रिटिश अधिकारी उन्हें पहचान नहीं पाया था, जिस पर स्वाभिमानी गंगाधर उस पर बहुत क्रोधित हुए। तब उस अधिकारी ने उनसे क्षमा मांगी और राजा ने उन्हें माफ भी कर दिया।
लेकिन एक अन्य जगह एक बंगाली व्यक्ति राजेंद्र बाबू ने भी जब उन्हें नहीं पहचाना तो राजा ने उन्हें दंडित किया, जिसकी शिकायत राजेंद्र बाबू ने ब्रिटिश अधिकारियों से की, जिसके जवाब में उस अधिकारी ने कहा कि गंगाधर राव एक बड़े राजा हैं, उनका सम्मान करना सबका कर्तव्य है, तुम यदि उनका सम्मान नहीं करते तो दंड मिलना स्वाभाविक है। इस तरह राजा गंगाधर राव के स्वाभिमान स्वभाव की इज्जत अंग्रेज भी करते थे। उनके इस स्वभाव से जुड़ी एक और रोचक बात है कि जब झांसी में ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी रखने पर उन्होंने सहमति दी थी, तब उन्होंने अंग्रेजों के सामने एक शर्त भी रखी थी कि हर साल दशहरा के दिन ये ब्रिटिश सैनिक उन्हें सलामी देंगे, और एक बार दशहरा के दिन रविवार की छुट्टी होने के कारण ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ने ये सूचना भिजवाई कि वो परेड में उपस्थित नहीं हो सकेंगे। तब राजा गंगाधर राव तुरंत सैनिकों के स्थल पर पहुंचे और उनसे स्पष्टीकरण मांगा। ब्रिटिश अधिकारियों को इसके लिए क्षमा मांगनी पड़ी। इससे गंगाधर राव के प्रभुत्व का पता चलता है। गंगाधर राव को पुत्र रतन की प्राप्ति। 1851 में महाराजा गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई ने एक लड़के को जन्म दिया। महाराजा और महारानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। महाराजा अपने को धनी मानने लगे थे और बहुत ही कृतज्ञ थे कि उनके उत्तराधिकारी ने जन्म ले लिया है, लेकिन विधाता को तो कुछ और ही मंजूर था और उनका ये पुत्र सिर्फ 4 महीने के बाद दुनिया छोड़कर चला गया था। गंगाधर राव को पुत्र शोक और बीमारी। गंगाधर राव की बीमारी, अपने पुत्र के जाने के गम में गंगाधर बहुत उदास रहने लगे। उनका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा और अंततः वो भयंकर रूप से बीमार हो गए। 1853 अक्टूबर में वो नवरात्र के दिनों में अपने कुलदेवी की आराधना कर रहे थे, तब उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ी और दशहरा के दिन तक उन्हें तीव्र पेचिश की बीमारी का पता लगा। झांसी के सभी बड़े वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन सभी निराश ही हुए। नवंबर के तीसरे सप्ताह तक उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। गंगाधर राव और उत्तराधिकारी की चिंता। उनके अंतिम क्षणों में जब उनसे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने राज्य के उत्तराधिकारी के बारे में पूछा, तब उन्होंने कहा कि हालांकि उन्हें लगता है कि वो अभी भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन अपने धर्म और कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए वो एक पुत्र गोद लेना चाहते हैं। हमारे परिवार में वासुदेव नेवाल करके एक पुत्र है जिसका नाम आनंद राव है, मैं उसे ही अपना दस्तक पुत्र बनाना चाहता हूँ। आनंद राव उस समय मात्र 5 साल के बालक थे। रानी लक्ष्मीबाई भी इसके लिए तैयार हो गईं। इसके लिए एक दिन सुनिश्चित किया गया। उस दिन पंडित विनायक राव ने गोद लेने की सभी प्रक्रिया धार्मिक अनुष्ठानों के साथ पूरी की। गोद लेने के बाद आनंद राव का नाम बदलकर दामोदर गंगाधर राव रखा गया। गोद लेने के पारंपरिक अनुष्ठान में राज्य के सभी गणमान्य व्यक्ति और बुंदेलखंड के ब्रिटिश राजनायिक मेजर एलिस और लोकल ब्रिटिश आर्मी के अधिकारी कैप्टन मार्टिन मौजूद थे। गंगाधर राव का ब्रिटिश सरकार को लिखा अंतिम पत्र। जब महाराज ने गोद लेने की सभी राजकीय प्रक्रियाएं पूरी कर ली, तब उन्होंने खुद ब्रिटिश सरकार को एक पत्र लिखवाया कि ब्रिटिश सरकार के आने के पहले मेरे पूर्वजों द्वारा बुंदेलखंड के लिए की गई सेवाओं के बारे में पूरा यूरोप जानता है। सभी राजनीतिक गणनायक जानते हैं कि मैंने सरकार के आदेशों का कितनी ईमानदारी से पालन किया है। जब मुझे डर है कि मैं असाध्य बीमारी से ग्रस्त हूँ, ऐसे में मेरा वंश पूरी तरह खत्म होने की कगार पर है, इसलिए मैं सरकार को ये सूचित करना चाहता हूँ कि मैंने जिस 5 साल के बालक को अपना दत्तक पुत्र घोषित किया है उसका नाम आनंद राव है, लेकिन वो अब से दामोदर गंगाधर राव के नाम से जाना जाएगा। मुझे उम्मीद है कि प्रभु की कृपा और सरकार की देखभाल में ही जल्द ही मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, और मेरी उम्र को देखते हुए ये संभव है कि भविष्य में मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, और यदि ऐसा होता है तो उस समय पूरा मुद्दा वापस से सोचा जाएगा, लेकिन यदि मैं अभी इस बीमारी से नहीं बच पाऊँ तो मुझे उम्मीद है कि सरकार मेरे इस छोटे से बालक की सुरक्षा करेगी और इसके लिए मेरी अब तक की गई सेवाओं का ध्यान रखेगी। जब तक मेरी पत्नी जीवित है, वह इस राज्य और मेरे पुत्र की संरक्षक होगी, वह इस पूरे राज्य की प्रशासक होगी, इसलिए आप सुनिश्चित करें कि मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी को झांसी के शासन करते हुए कोई समस्या का सामना ना करना पड़े।
पूरा पत्र लिखवाने के बाद महाराज ने ये पत्र मेजर एलिस को सौंपा और उन्हें बार बार ये याद दिलाया कि उनके राज्य को उनके जाने के बाद भी अभी तक की परंपरा अनुसार ही चलने दिया जाए। मेजर ने विनम्रता के साथ राजा को भरोसा दिलाने की कोशिश की, महाराज आपका पत्र सरकार को देने के बाद मैं आपकी बात उन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। गंगाधर राव के अंतिम क्षण। जब गंगाधर राव ने पत्र मेजर एलिस को दे दिया, उसके तुरंत बाद ही वो बेहोश हो गए। मेजर एलिस और कैप्टन मार्टिन उन्हें दवाई देकर लौट गए। महारानी लक्ष्मीबाई नेपथ्य में अपने पति के पास आकर बैठ गई और दवाई के कारण राजा को नींद आ गई। प्रजा की शुभकामनाएं और मेजर एलिस की भाग दौड़ और एलोपैथिक डॉक्टर को बुलाना कहीं काम नहीं आया, क्योंकि राजा ने एलोपैथिक उपचार लेने से मना कर दिया और 20 नवंबर 1853 की मध्य रात्रि को महाराजा ने देह त्याग दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही दीपावली चैनल को सब्सक्राइब करें।